फिजियोग्राफिक रीजन का मतलब है जो फिजिकल रीजन है, ठीक है, इंडिया का फिजिकल रीजन। फिजिकल रीजन का मतलब है हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पहाड़ ना, माउंटेन्स, रिवर्स पढ़ेंगे, प्लेट्यूज़ पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ेंगे, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इंडिया से के नियर बाई वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया को कैसे सब डिवाइड किया था, हमने कहा था सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। जो लोग नए बच्चे उनके साथ दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि आप लोग सभी पहाड़ के ही हो, आप जैसे मसूरी रहते हो, मसूरी जो की जो रेंज है उसको हम लोग शिवालिक रेंज कहते हैं, और शिवालिक रेंज आपका बेटा हिमालयस का पार्ट है, ठीक है। तो दैट वी हैव सीन ऑल्सो, कुछ हमने फेमस हिल स्टेशन भी करे थे। नॉर्दर्न माउंटेन्स के बाद हम आए ग्रेट प्लेन्स में, ये भी हमने कल कर लिया, छोटा सा पार्ट है बस, और कुछ है नहीं इसमें। हाउ द डिफरेंट रीजन्स आर फॉर्म, दैट वी हैव टू सी। भाबर, तराई, खादर, बांगर, दैट फोर एरियाज वर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ग्रेट प्लेन्स के बाद अब आते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू में बेटा, किस में आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये इंपॉर्टेंट है पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ये हुआ नहीं, इसको हमें आज करना है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद आएंगे हम कोस्टल प्लेन्स, और कोस्टल प्लेन्स के बाद हमने कुछ आइलैंड्स करने थे, अंडमान एंड निकोबार, और उसके साथ साथ सम अदर आइलैंड्स, ठीक है, प्लस अदर आइलैंड्स। तो ऐसे हम लोग इंडिया को टोटली एक्सप्लोर कर लेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आते हैं, हेडिंग डालना पेनिनसुलर प्लेट्यू। अच्छा, पेनिनसुलर प्लेट्यू से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है। ये जो इंडिया का सदर्न पार्ट है इसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं, क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, दिस मेन लैंड ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला, ठीक है। तो और यहाँ पर प्लेट्यूज बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यूज की कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी मैं क्लासिफिकेशन पहले बताता हूँ, देन आई विल ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ ना, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो इसमें बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन बताएगा, हाँ सेंट्रल हाईलैंड्स, वेरी गुड। पेनिनसुलर प्लेट्यू को भी हमने फर्दर डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग अभी ये क्लासीफिकेशन देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स अभी इसको पढ़ेंगे, क्या चीज़ है सेंट्रल हाईलैंड्स। फिर हाँ, डेक्कन प्लेट्यू, वेरी गुड, डेक्कन प्लेट्यू। एंड देन हाँ, मेघालय प्लेट्यू, ठीक है। तो हम ऐसे इसको पढ़ेंगे, और कभी कभी एग्जाम में आता भी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता तो मैं यही लिख लेता हूँ, मेघालय प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन अभी तो हम लोगों ने फर्दर पढ़ना है, ये क्लासिफिकेशन मैं आपको एक बार इंडिया के मैप में दिखा दूं, तो बहुत इजी है मेरे लिए दिखाना, ठीक है। अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं आप लोगों के सामने, तो ये तो हमने कुछ पार्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, कुछ पार्ट तो हमने ऑलरेडी Suppose this is the rough map of India, ठीक है। अगर जो हमारा ये पार्ट है बेटा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पार्ट है वो ऐसा है, ठीक है, उसको मैं ऐसे ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मेघालय प्लेट्यू भी है, दिस इज अर मेघालय प्लेट्यू। अच्छा, पेनिनसुलर प्लेट्यू फर्दर दो हिस्सों में क्लासिफाई है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। ये क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर ओरिजिनेट होती है बेटा, ठीक है, फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बीच में जो स्पेस है ये वैली है, एंड इट इज़ अ रिफ्ट वैली। कैसी वैली है,
रिफ्ट वैली है बेटा, रिफ्ट वैली एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो इंडिया में कितनी रिफ्ट वैलीज़ हैं? चलो पहले रिफ्ट वैलीज़ होती क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक ऐसी वैली है, इट इज़ अ रिफ्ट वैली। इस रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब वैसे जनरली होता है दरार। इस रिफ्ट के वजह से जो मेरा ये पूरा प्लेटू वाला रीजन है वो दो हिस्सों में बढ़ गया। इस ऊपर वाले हिस्से को कहा मैंने सेंट्रल हाइलैंड्स। क्या कहा मैंने? सेंट्रल हाइलैंड्स, सेंट्रल हाइलैंड्स। कोई शक? नीचे वाले हिस्से को कहा मैंने डेक्कन प्लेटू। एंड दिस पोर्शन इज योर मेघालय प्लेटू, ठीक है। इसको मैं यहां पर मेघालय प्लेटू करके लिख लेता हूं, मेघालय प्लेटू। तो जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताई पेनिनसुलर प्लेटू की, वो मैं क्लासिफिकेशन आपको ज्योग्राफिकली दिखा चुका हूँ कि वो कहाँ पर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल हाइलैंड्स से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट विल स्टार्ट विद सेंट्रल हाइलैंड्स। इसको हमने डिटेल पढ़ना है। सेंट्रल हाइलैंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, हिल्स एंड प्लेटूज। कुछ इसमें हिल्स हैं लाइक अरावली, लाइक विंध्याचल, ठीक है। कुछ हिल्स हैं इसमें एंड राजमहल हिल्स। उसके अलावा कुछ प्लेटूज हैं लाइक आपने सुना होगा छोटा नागपुर, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड। वो हम लोग फिर इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। फटाफट लिखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। ये लिख दिया तो डायग्राम बनाओ फटाफट से, रफ डायग्राम। अच्छा, अब मैंने क्या करा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल हाइलैंड्स पढ़ना बेटा, ठीक है। तो सेंट्रल हाइलैंड्स को मैंने फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक मैंने बोला हिल्स, एक मैंने बोला प्लेटूज, ठीक है। हिल्स कौन कौन से हिल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी बेटा? अरावली, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखें बेटा अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट रेंज ना। अरावली सबसे पुरानी रेंज है आपके इंडिया की, ठीक है। अरावली रेंज इज़ द ओल्डेस्ट रेंज, इसलिए अरावली इसकी ज़्यादा हाइट नहीं है क्योंकि इरोजन के साथ साथ उसकी हाइट कम हो गई है। लेकिन मिनरल्स आपको यहाँ बहुत मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अरावली कहाँ है बेटा? इट इज़ मेनली इन राजस्थान। इसकी खास बात क्या है? अच्छा, अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अरावली जो रेंज है उसमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी होगी? गुरु शिखर पीक। एक गुरु शिखर पीक है, उसके पास एक माउंट स्टेशन भी है, सॉरी एक हिल स्टेशन भी है, इसका नाम है माउंट अबू। आपने सुना है माउंट अबू हिल स्टेशन का नाम? लोग जाते भी हैं घूमने के लिए माउंट अबू, ठीक है। तो इट इज़ इन द अरावली रेंज। अच्छा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दैट गुरु शिखर पीक? 1722 मीटर, 1722 मीटर फ्रॉम सी लेवल। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मसूरी? व्हाट इज़ इट्स ऑल्टीट्यूड? क्या लगता है आपको कितनी हाइट हो सकती है उसके इन मीटर्स? इंटरव्यू में पूछ लेगा आपसे बेटा, क्या बोलोगे? आपने मुझे बताना, आप मसूरी के रहने वाले, इसलिए पूछ रहा हूँ। व्हाट इज़ इट्स ऑल्टीट्यूड अबव सी लेवल? कल फिर से पूछूंगा सेम, ठीक है। यू शुड नो इट्स ऑल्टीट्यूड। चलो विंध्याचल। अच्छा, वेयर इज दिस रेंज विंध्याचल? हाँ, मध्य प्रदेश, ठीक है। इट इज़ मेनली इन मध्य प्रदेश। अच्छा, विंध्याचल की एक ईस्टर्न ब्रांच भी है जो बिहार तक जा रही है, इसको हम केमूर कहते हैं। देर इज़ वन ईस्टर्न ब्रांच, इसी की सब ब्रांच है। इसकी एक ईस्टर्न ब्रांच है जिसको हम लोग केमूर कहते हैं और वो बिहार तक जा रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अभी हमने उसको ऐसे बनाना है बेटा। ये तो मैं सिर्फ, ये तो लिखने वाली बातें, ज्योग्राफी इज़ टोटली ग्राफिकली बेटा, ज्योग्राफी इज़ टोटली ग्राफिकल, ठीक है। तो इसकी एक ईस्टर्न ब्रांच है, मैं लिख लेता हूँ यहीं पर, ईस्टर्न ब्रांच, इसका नाम है केमूर। अच्छा, वेर आर राजमहल हिल्स? हाँ, राजमहल हिल्स आर मेनली इन झारखंड। अच्छा, लेट्स कम टू प्लेटू नाउ। मालवा प्लेटू, हाँ हाँ, ये वैसे तो इट इज़ मेनली इन एमपी, बट इट्स लिटिल पार्ट इट इज़ इन गुजरात ऑल्सो, ठीक है। गुजरात में भी इसका पार्ट है, लेकिन मेनली इन एमपी, लिटिल पार्ट इन गुजरात ऑल्सो। तो एमपी कॉमा गुजरात में लिख लेता हूँ। वेर इज़ छोटा नागपुर प्लेटू? हाँ, झारखंड, मेनली इन झारखंड, लेकिन झारखंड भी है, वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू, हैव यू सीन दैट फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर?
उस गैंग ऑफ वासेपुर में आपने देखा होगा कहीं किसी का कोयले का बिजनेस है, कहीं किसी का लोहे का बिजनेस है, कहीं कोयला चोर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो याद रखना कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में कोल हो गया या आयरन हो गया, ये मिनरल्स आपको यहाँ मिलेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फिल्म से भी रिलेट कर सकते हो, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, अच्छा बुंदेलखंड इट इज़ इन यूपी बेटा, यूपी। अच्छा बुंदेलखंड, जैसे आपने तेलंगाना सुना होगा, तेलंगाना तो अब एक सेपरेट स्टेट हो चुका है, लेकिन तेलंगाना अर्लियर तेलंगाना वॉज द पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वॉज द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ना, इट इज़ द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो आंध्र प्रदेश का पार्ट था और आंध्र प्रदेश का जो सबसे ड्राई पार्ट था वो था तेलंगाना। अब जाहिर सी बात है जब एक स्टेट है आंध्र प्रदेश तो जो भी फंड आएगा आंध्र प्रदेश के लिए आएगा, फिर आंध्र प्रदेश उस फंड को अलग अलग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में बांटेगा। तो तेलंगाना वॉज द लीस्ट फोकस पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था क्योंकि और जगह भी पैसा लगाना है, अदर अदर पार्ट्स में भी उस स्टेट के पैसा लगाना है। तो लोगों ने क्या डिमांड करा तेलंगाना के लोगों ने, और वहाँ के फार्मर सुसाइड कर रहे थे बेटा, क्यों कर रहे थे सुसाइड, क्योंकि फार्मिंग करते थे वो, क्योंकि वो ड्राई पार्ट था, बारिश की अपेक्षा करते थे, बारिश होती नहीं थी, उनकी पूरी क्रॉप्स बर्बाद, दुनिया भर का उन्होंने लोन ले रखा है, कर्जे में आ जाते थे, फिर सुसाइड करते थे। तो सुसाइड के केस आपके तेलंगाना हो गया और बुंदेलखंड यहाँ दोनों ज़्यादा हैं, ठीक है। तो तेलंगाना फिर डिमांड हुआ कि तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बनाओ ताकि उसी के लिए अलग से फंड आए और उसको अलग से फोकस किया जाए, ठीक है। तो तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया गया और तेलंगाना आज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, तेलंगाना इज़ नंबर टू आई थिंक सो ना, आंध्र प्रदेश इज़ नंबर वन, तो तेलंगाना देख लो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इट इज़ ऑन नंबर टू। तो वैसे ही डिमांड कर रहे हैं लोग बुंदेलखंड, इट्स अ पार्ट ऑफ यूपी विच इज़ अगेन द ड्राइस्ट पार्ट ऑफ यूपी, यूपी का बहुत ड्राई पार्ट है, तो इसको बुंदेलखंड वाले पार्ट को, इट्स अ प्लेट्यू, बुंदेलखंड वाले पार्ट को फिर से सेपरेट स्टेट बनाने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम केस है, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं सूखे के वजह से, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूपी, बघेलखंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एमपी, ठीक है। अच्छा ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब इसको हमने यहाँ बनाना पड़ेगा ग्राफिकली, ठीक है। तो फिर से एक इंडिया का मैप बनाएंगे हम लोग, क्या बोलते हो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं ऊपर वाला पार्ट, अच्छा एक चीज़ तो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई नहीं, चलो अभी बता दूंगा, मुझे दोबारा इंडिया का मैप नहीं तो चलो जब बनाना ही है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको, अच्छा अभी मैंने क्या बोला था, ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था, दिस पार्ट इज योर सेंट्रल हाइलैंड्स जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और जो ये नीचे वाला पार्ट है ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। मैंने आपसे कहा था ये जो बीच में बैठा वैली है इट इज़ अ रिफ्ट वैली ना, तो रिफ्ट वैली की बात बता दूं मैं आपको, रिफ्ट मतलब होता है बेटा दरार, रिफ्ट मतलब होता है दरार। अच्छा वैलीज़ कैसे फॉर्म्ड होती हैं, अगर जहाँ तक हमें पता है, हमें तो ये पता है कि वैलीज़ कैसे फॉर्म्ड होती हैं, अगर जहाँ कहीं पर भी स्ट्रीम निकलती है ना, झरना निकलता है या कहीं पर नदी बनती है, तो नदी कंटिन्यूसली सॉइल को रोट करती है, रोट करती है और वहाँ पर एक वी शेप्ड वैली बन जाती है ना, ठीक है। अगर किसी रिवर का फ्लो बहुत तेज़ होगा और वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, पहाड़ को काट रही है, तो वहाँ पर वी शेप्ड वैली बन जाएगी जैसे हमारे पहाड़ों में है, ठीक है। तो वैलीज ऐसे बनती है। अच्छा एक यू शेप्ड वैली भी बनती है, यू शेप्ड वैली बनती है अगर रिवर का फ्लो बहुत ही हल्का हो। तो रिवर का फ्लो कब हल्का होता है, जब वो कौन सी रिवर हो स्नो वाली रिवर हो, जिसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर भी क्या करती है बेटा, ग्लेशियर आर द नेचुरल बुलडोजर्स। तो ग्लेशियर भी हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो हल्के हल्के मूव होने की वजह से कैसी वैली बनेगी,
यू शेप्ड, कभी अगर ग्लेशियर वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, तो आपको जो वैली मिलेगी पीछे दैट विल बी आर यू शेप्ड वैली। SSB में पूछा गया है बच्चों से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी शेप्ड एंड यू शेप्ड वैली, हाउ दे आर फॉर्म्ड। तो आप बोल सकते हो कि रिवर्स के वजह से वी शेप्ड वैली बनती है क्योंकि इनका फ्लो तेज होता है, और ग्लेशियर्स के वजह से क्योंकि इनका फ्लो हल्का होता है उसकी वजह से यू शेप्ड वैलीज बनती हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा गया है बच्चों से, ध्यान रखना। ज्योग्राफी के बड़े बेसिक सवाल पूछेगा आपसे, यू विल नॉट गो इनटू डिटेल। लेकिन ये वैली ऐसे नहीं बनी बेटा, ये रिफ्ट वैली, ये वैली ऐसे नहीं बनी। यहाँ तो नदी के वजह से वैली बनी है, ये ग्लेशियर के वजह से वैली बनी है, यहाँ पर पानी के वजह से ये वैली नहीं बनी। ये वैली क्यों बनी? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्मा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर ये कोई लैंड सरफेस है, ठीक है, और इसके नीचे मोल्टन रॉक है जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचो ड्यू टू सम रीजन, किसी रीजन की वजह से अगर मैग्मा यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, सपोज ये मैग्मा यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो बीच में खाली स्पेस हो जाएगी, और इसलिए ये जो लैंड है ये थोड़ा सा नीचे को धस जाएगा ना, इन दिस वे ये लैंड नीचे को धस गया, और ये लैंड नीचे को धस गया तो यहाँ पर क्या बन गई? दरार बन गई। क्या बन गई? रिफ्ट पैदा हो गई। अभी यहाँ पर कोई नदी है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या पैदा, क्या बन गया? रिफ्ट बन गया। अब कंटिन्यूसली बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश हुई। अगर कोई कंटिन्यूस आपके रिफ्ट बन जाए या कंटिन्यूस दरार बन जाए तो वहाँ बारिश होगी और पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी? नदी बन जाएगी। तो वैसे ही ये जो रिफ्ट वैली बनी है, ये कौन सी रिफ्ट वैली है? नर्मदा वैली है। एंड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बड़े याद रखना, नर्मदा वैली इज अ रिफ्ट वैली। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल दे सकते हो आप किसी और वैली का जो रिफ्ट वैली है? दो और हैं जो रिफ्ट वैलीज हैं, एक दामोदर, एक दामोदर रिवर है, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, वो भी कैसी वैली बनाता है, रिफ्ट वैली बनाता है, क्योंकि मतलब दरार पहले आई और फिर उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और कंटिन्यूसली दरार थी तो पानी बहा और वो रिवर बन गई। तो हमारी तीन रिफ्ट वैलीज हैं इंडिया के अंदर, एक तो नर्मदा वैली है, इट इज़ अ रिफ्ट वैली, पहले रिफ्ट पैदा हुई है बेटा याद रखना, ठीक है, सेकेंड इज़ दामोदर, थर्ड इज़ ताप्ती, उसको तापी भी कहते हैं। अभी हम रिवर्स में पढ़ेंगे उसको, अभी हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे, तो तीन है। तो याद रखना, मैग्मा के डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो लैंड एरिया है वही नीचे को डिस्प्लेस हो गया, उसके वजह से रिफ्ट बना और फिर बारिश के वजह से वहाँ पर क्या बनी? रिवर फॉर्म हो गई। अगर ये डिसकंटिन्यूस रिफ्ट होती है दरारें, अगर ये डिसकंटिन्यूस होती, जैसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज हैं, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस, दैट्स वाई दे फॉर्म्ड लेक्स लाइक टंगनयीका लेक, देर आर वेरियस लेक्स। अभी हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जब हम लोग अभी जब अफ्रीका पढ़ेंगे, हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब अफ्रीका में आएंगे तब आप देखना वहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं, और वो लेक्स बनी हैं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या है, रिफ्ट वैलीज हैं, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस। तो थोड़ी सी दरार यहाँ पर है ऐसी, फिर थोड़ी सी दरार यहाँ पर है, फिर थोड़ी सी दरार यहाँ पर, तो यहाँ पर तो लेक्स ही बनेंगी, रिवर्स थोड़ा बनेंगी। रिवर तो तब बनती जब एक कॉन्टिन्यूस दरार होती, तब पानी फ्लो करता, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस दरार है, तो यहाँ पर क्या बना? एक रिवर की वैली बनी जिसका नाम है नर्मदा वैली। तो याद रखना बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू मेमोराइज दैट नर्मदा वैली इज़ अ रिफ्ट वैली। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था रिफ्ट वैली के बारे में, ठीक है। तो याद रखना, रिफ्ट वैलीज आर नॉट फॉर्म बिकॉज ऑफ रिवर्स, वो क्यों फॉर्म हुई है? बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड सरफेस, ठीक है। पहले दरार आई है और फिर उसमें पानी आया है। वी शेप्ड वैली और यू शेप्ड वैली तो पानी या ग्लेशियर्स के वजह से बनी है। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं, अब लेट्स ड्रॉ दिस ऑल थिंग्स जो हमने दो कैटेगरीज को यहाँ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अरावली रेंज में आपको शो करने की कोशिश करूँगा। तो सपोज़ ये आपकी अरावली रेंज है, ठीक है, सपोज दिस इज योर अरावली रेंज, ठीक है, ये जो राजस्थान, इट इज मेनली इन राजस्थान, दिस रेंज इज योर अरावली बेटा सी, ठीक है, दिस इज नॉट इन प्रॉपर स्केल्स, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर सिर्फ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं जितना ग्राफिकली हो सके दिखा सकूँ, लेकिन आपको प्रॉपर स्केल्स में सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। डोंट रिलाई ऑन माई फिगर्स या ऑन माई मैप, ठीक है, ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं, आपने एटलस रिफ़र करनी है और एटलस में प्रॉपरली देखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल लोकेशन वाइज भी आप लोगों के, ठीक है। तो एक बार इसको आप प्रॉपर वे में इसको ज़रूर एनालाइज करना। अच्छा, तो ये कौन सी रेंज है बेटा? ये रेंज है अरावली। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? अभी हम देखेंगे मानसून में कि दैट इट विल लाई पैरेलल विद द
साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ विंड्स आएंगे तो ये उसके रास्ते में अड़चन पैदा तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये पैरेलल है, तो विंड्स के साथ ये भी पैरेलल है, तो इसका बड़ा बहुत बड़ा रीज़न है कि वाई दिस रीजन इज़ ड्राई, क्योंकि ये रेंज पैरेलल है, तो वहाँ पर वो विंड्स या वो क्लाउड्स रुकेंगे ही नहीं ना। अगर आपने लगान फिल्म देखी हो, लगान फिल्म में गाना नहीं आता, घन घिरे घिरे आए भद्रा, तो यहाँ से ही वो बादल आते हैं, आते आते बेचारे बादल चले हैं ना, इफ़ यू हैव सीन दैट फिल्म, तो रुक तो बादलों का अब आपने देखी है, ओरोग्राफिक रेनफॉल्स आपने देखी है, और मानसून के वक्त भी जब आपको मैक्सिमम बारिश यहाँ क्यों होती है मेघालय प्लाटी वाले रीजन में ना, गैरो खासी जयंतिया खासी हिल, ठीक है वहीं तो है आपका चेरापुंजी मानसून राम, वाई मानसून राम इज़ द वेटीएस्ट प्लेस और द रेनियस्ट प्लेस, क्यों? क्योंकि बादल आते हैं यहाँ पर, क्या है आपके वो हिल्स हैं और वहाँ पर सारे बादल क्या होते हैं या सारा मॉइस्चर वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है और वहीं शेड करता है। ये जो उत्तराखंड की जो जो डिज़ास्टर हुआ था वो क्या था ना, इतना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इकट्ठा हो गया सारा मॉइस्चर वहीं, आपने कभी सुना होगा बादल फटना क्लाउड बर्स्ट, वो क्या है आपको क्या लगता है, किसी ने बाल्टी से पानी फेंक दिया नीचे भगवान ने? क्लाउड बर्स्ट का मतलब है कि मॉइस्चर एक एक जगह बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया और वो मॉइस्चर होल्ड नहीं हो पाएगा, तो वो एक्सेसिवली शेड होगा, तो बारिश ही होगी लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, और वो इट लास्ट फॉर अराउंड ओनली 15 to 16 minutes, 15-20 मिनट में ऐसी तबाही करके चली जाएगी वो बारिश, गाँव के गाँव बह जाते हैं। और ये आपने कहीं ऐसा सुना कि दिल्ली में बादल फटा, कभी सुना आपने ना? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ मॉइस्चर या एक्यूमुलेशन ऑफ क्लाउड्स कहाँ होगा, पहाड़ों में जहाँ पहाड़ है। अरावली रेंज, अरावली की खास बात क्या है, अभी मैंने बोला यहाँ पर एक आपकी पीक है, आपकी यहाँ पर एक पीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पीक, गुरु शिखर पीक, ठीक है यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ, अब यही क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पढ़नी है, ठीक है? तो कौन सी पीक है ये? द नेम ऑफ दिस पीक इज गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर पीक, इसकी हाइट इंपॉर्टेंट नहीं, बट यू शुड नो ना, हाइट आपसे थोड़ा पूछता है एग्जाम में, 1722 meters अबव सी लेवल ना, तो नियरली आप लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर सी लेवल पे टेम्परेचर अगर 30 है या 40 है, अगर 40 टेम्परेचर है तो आप 2 kilometers ऊपर जा रहे हो, तो कम से कम कितना टेम्परेचर डाउन होगा, 6.5 के हिसाब से 13 डिग्री कम होगा, तो अगर यहाँ नीचे 40 है तो 40 में से 13 कम करोगे कितना होगा, हाँ 27, तो 27 degrees, इसलिए हिल स्टेशन यहाँ लोग आना पसंद करते हैं, ठीक है? अब ये मत बोलना कि आप सर 1600 meters की हाइट में हमने स्नोफॉल देखा है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं नॉर्थ इंडिया में जिनका ऑल्टीट्यूड 1600 meters है और वहाँ पर स्नोफॉल होता है, तो क्या माउंट अबू में भी होगा सर, या क्या गुरु शिखर पीक में भी होगा? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें फॉल के लिए, सिर्फ ऑल्टीट्यूड इज़ नॉट वन ऑफ द फैक्टर। अभी हम देखेंगे साउथ इंडिया में आएंगे, डू यू नो साउथ इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, अनाईमुड़ी, उसकी हाइट कितनी है, मसूरी से भी ऊपर है उसकी हाइट, ऑल्टीट्यूड उसका मसूरी से भी ज़्यादा है, मसूरी में आपने देखा इस साल अच्छी खासी बर्फ गिरी है, तो आप मुझसे पूछोगे सर वहाँ पर भी गिरती होगी बर्फ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बर्फ गिरने के पीछे सिर्फ ऑल्टीट्यूड नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है? अच्छा, गुरु शिखर पीक ही इसी के पास क्या है, एक हिल स्टेशन है, क्या नाम है उसका, हिल स्टेशन माउंट अबू इज नियर, माउंट अबू इज नियर गुरु शिखर पीक, ठीक है? ठीक है, तो आप देख लो सबसे हाईएस्ट पीक 1722 meters है, तो एट एन एवरेज अगर हम देखें तो 600-700 meters अबव सी लेवल एट एन एवरेज, ठीक है, अरावली रेंज। देन वी हैव विंध्याचल, ये रेंज है मेरी, क्या नाम है इसका, विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है? कभी कभी आपसे ये भी बोलता है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन से रिवर्स बहती हैं, अभी हम सतपुड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है? सतपुड़ा रेंजेस, ऐसे भी क्वेश्चंस आए एग्जाम में। अच्छा, फिर है आपके, इसकी एक ईस्टर्न ब्रांच है जिसका नाम है किमुर, तो मैं ऐसे बनाता हूँ, और वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, बिहार तक, तो मैं ऐसे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है? एक इसकी ईस्टर्न ब्रांच है, क्या नाम है इसका, किमुर, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने लोकेशंस देख ली सारे हिल्स की,
अब आते हैं प्लैट्यूज में. तो प्लैट्यूज में सबसे पहले हमने कौन सा देखा था? हाँ, मालवा प्लैट्यू. तो ऐसे बनाता हूँ आप लोगों ने, ठीक है. दिस प्लैट्यू इज मालवा प्लैट्यू. मालवा प्लैट्यू. अच्छा, मालवा प्लैट्यू की खास बात क्या है? मालवा प्लेटू पे एक रिवर बेटा दो हिस्सों में कट कर रही है. अ रिवर कट्स मालवा प्लेटू इनटू टू पार्ट्स. एग्जाम में पूछा गया बहुत बार. क्या है इस रिवर का नाम? चंबल इज द नेम ऑफ दैट दिस रिवर. ठीक है, चंबल रीजन आपका, अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे. चंबल रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड लैंड्स, इसको रवाइन भी बोलते हैं. ठीक है, डिकॉइड्स तो डाकू है, वो तो है, हमें पता है. लेकिन आपने देखा होगा ना वहाँ पर, आप कभी रॉबर्ट्स केव गए? जैसे वो आपने वो देखा होगा लैंड फॉर्म, उसको हम लोग गलीज बोलते हैं बेटा. तो उसी तरीके से तरीके की वहाँ पर क्या है, वैलीज हैं ना. आपने अगर पान सिंह तोमर फिल्म देखी हो तो उनको रवाइंस कहते हैं, रवाइंस. ठीक है, पानी की वजह से फॉर्म होता है, इरोजन की वजह से. ठीक है, दे आर नॉट वैलीज बेसिकली. वैलीज से जो कम पोर्शन होता है उसको हम लोग बैड लैंड्स या रिवाइंस कहते हैं. तो उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो चंबल वाला एरिया है. अच्छा, हाँ, ठीक है, चंबल घाटी. तो वो जो घाटी है उसको हम लोग रिवाइंस या बैडलैंड्स बोलते हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे वो लैंड फॉर्म्स. कौन सी रिवर है? चंबल रिवर. ठीक है, अच्छा, एक और खास बात है इस मालवा प्लेट्यू की, दैट इट हैज ब्लैक सॉइल. इट हैज ब्लैक सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेप्शन है मालवा प्लेट्यू में. ऐसा क्यों, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने कौन सा प्लेट्यू देखा था? छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, अच्छा, मैंने एक राजमहल हिल्स आपको नहीं बताई. राजमहल हिल्स कहाँ आपकी? झारखंड में. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी राजमहल हिल्स में यहाँ बना रहा हूँ. ठीक है, तो प्रॉपर स्केल्स में देख लेना. ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि सर ये तो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा झारखंड बिहार से नीचे, तो मैं यहाँ पर ऐसे बना के दिखा रहा हूँ. ये जो हिल्स हैं, क्या नाम है इनका? राजमहल हिल्स. राजमहल हिल्स झारखंड में. अच्छा, प्लेट्यूज में आते हैं फिर से. तो ये कौन सा प्लेट्यू है? छोटा नागपुर प्लेट्यू. छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, इसको मैं नीचे लिखता हूँ. क्यों लिखता हूँ छोटा नागपुर प्लेट्यू? क्योंकि एक और रिवर है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांट रही है. कौन सी है? दामोदर. देयर इज अ रिवर दामोदर. ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन से बेटा मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बट दिज आर ऑल, मतलब दिज ऑल क्वेश्चन हैव कम इन वेरियस यूपीएससी एग्जाम्स. कौन सी रिवर है? द नेम ऑफ दिस रिवर इज दामोदर रिवर. और दामोदर रिवर बाइफरकेट्स छोटा नागपुर प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स. ऊपर वाले पार्ट को मैं कहता हूँ हजारीबाग. हजारीबाग इज द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू ओनली. ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रांची. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. दामोदर रिवर डिवाइड्स या बाइफरकेट्स छोटा नागपुर प्लेट्यू इनटू हजारीबाग एंड रांची. ठीक है, अगेन बहुत सारे मिनरल्स हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में, हम लोग बात करेंगे. लाइक माइका, कोल, आयरन, मैंगनीज, दिस ऑल मिनरल्स आर वेरी फेमस है. ठीक है, आप लोगों ने गैंग ऑफ वासीपुर देखी है, तो गैंग ऑफ वासीपुर के हिसाब से आप दो चीज़ें तो ध्यान में रखना, कोल और आयरन. ठीक है, मैंगनीज. अच्छा, उसके बाद क्या बचा हमारे पास? उसके पास हमारे पास बचा बुंदेलखंड. ठीक है, तो ये आपका बुंदेलखंड है यहाँ पर, और ये आपका बघेलखंड. दिस इज योर बुंदेलखंड विच इज मेनली इन यूपी, एंड दिस इज बघेलखंड विच इज इन एमपी. ठीक है, बुंदेलखंड इज द
ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ यूपी, इट इज़ द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ यूपी, ठीक है। अच्छा बघेलखंड, बघेलखंड थोड़ा सा फेमस है, क्यों फेमस है, वाई बघेलखंड इज फेमस? हाँ बघेलखंड में यू विल फाइंड डोलोमाइट, हाँ, और अच्छा डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का ओर है बेटा। उसके अलावा यू विल फाइंड हियर चूना पत्थर, जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। और तो पता ना आपको, और क्या होता है जो नेचुरल फॉर्म में आपको मिलता है, जैसे एल्यूमिनियम थोड़ा मिलता है हमें, तो बॉक्साइट मिलता है एज एन ओर, मतलब वो जो पूरा रॉक है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, वो पर्टिकुलर मेटल निकालते हैं, तो उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं काफ़ी, तो इम्प्योरिटीज़ के साथ उस मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। तो डोलोमाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, और यहाँ पर क्या फेमस है, हाँ पन्ना डायमंड, तो यहाँ पर डायमंड माइंस हैं। अभी हम लोग डायमंड की वैरायटीज़ भी देखेंगे। तो बघेलखंड एमपी वाला एरिया है, फेमस फॉर डायमंड्स, ठीक है, डायमंड की माइंस भी हैं यहाँ पर। ड्रॉ दिस डायग्राम। अच्छा अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा, तो ग्राफिकली देखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और सेम सेम सॉरी डेक्कन प्लेट्यू, और सेम डेक्कन प्लेट्यू को भी मैं दो हिस्सों में बांटूंगा, दो हिस्सों में, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हिल्स और प्लेट्यूज। तो हम लोग हिल्स में सबसे पहले कौन सी रेंज देखने वाले हैं, सतपुड़ा। कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि सतपुड़ा रेंज कौन से दो रिवर्स के बीच में है, सो तापी एंड नर्मदा, नर्मदा और तापी दोनों कौन सी रिवर्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वो कहाँ डिस्चार्ज होती हैं, अरेबियन सी में, मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स बेटा दे डिस्चार्ज एट बे ऑफ बंगाल, बट देर आर फ्यू रिवर्स विच आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। हिल्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज कहाँ है, फिर आएंगे हम वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टीन्यूस बेटा, कुछ हमने यहाँ पर पासेस पढ़े थे, क्या आप नाम बता सकते हो किसी एक पास का, पहली सोच भी नहीं रहा बच्चा, पहली एक का भी बता दो नाम, एक का भी। अच्छा फिर हमने तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट्स, अच्छा ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टीन्यूस, यहाँ पर कोई माउंटेन पास हम लोगों ने नहीं पढ़े, दे आर डिसकॉन्टीन्यूस, दे आर डिवाइडेड इनटू सम सब रेंजेस दैट विल सी, ठीक है। तो हिल्स में तो हम लोग ये तीन पढ़ेंगे, सतपुड़ा कहाँ है बेटा, हाँ सतपुड़ा इज मेनली इन एमपी, सतपुड़ा रेंजेस भी आपके एमपी में है, और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में कोई स्टेट लिखने का मतलब नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट्स से, ठीक है, वो बहुत सारे महाराष्ट्र से लेकिन नीचे केरला तक है आपका वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स भी फिर आपके वहाँ वेस्ट बंगाल उड़ीसा से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट्स लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा प्लेट्यूज़ कौन कौन से हैं यहाँ पर, प्लेट्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लेट्यूज़ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हाँ डेक्कन ट्रैप कहाँ है ये, डेक्कन ट्रैप कहाँ है, महाराष्ट्र लिखा है मैंने, उसके बाद कर्नाटका प्लेट्यू लिखने की जरूरत नहीं, कहाँ है, उसके बाद तेलंगाना प्लेट्यू एंड नंबर फोर, बड़ा खतरनाक नाम है, हाँ दंड करनिया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और एडिशनली भी सीखोगे बेटा, दंड करनिया। हाँ नहीं वाई है ना, एन वाई है, करनिया दंड करनिया,
ठीक है। तो आपने डेक्कन प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड किया, अब इसको पढ़ते हैं। तो देखो अब मुझे पूरा डायग्राम थोड़ा बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, देखो इंडिया का मैप, ठीक है, ऐसे करा, नीचे वाला हिस्सा बना दिया ना, ये तो ईजी है, और ऐसे करके बना दिया, ठीक है, बीच में वैली भी बना दी, इतना हम पढ़ चुके हैं, अब हमें नीचे देखना है, इतना ऑलरेडी हमने देख लिया, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने वैली, ऊपर वाला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, नीचे वाले हिस्से में आते हैं, क्या बोलते हो, सही है। तो सबसे पहले हम लोग हिल्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन सी रेंज बनाऊंगा, सतपुड़ा। अच्छा सतपुड़ा रेंज भी बेटा आपकी डिसकंटिन्यूअस है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, सतपुड़ा रेंज है, उसको मैं पहले अभी बना लेता हूँ, ये आपकी सतपुड़ा रेंज है, पूरा इसका नाम ही सतपुड़ा है, और स्पेसिफिकली भी हम नाम पढ़ेंगे, अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो पहली वाली का नाम क्या है, सतपुड़ा, दूसरे वाले का नाम क्या है, महादेव, तीसरे नाम का नाम क्या है, मैकाल। खास बात ये कि मैकाल के बगल में अमरकंटक हिल्स हैं इन एम्पेक, और यहाँ से दो रिवर्स ओरिजिनेट होती है बेटा, एक तो नर्मदा एंड दूसरी सन, नहीं बेटा सोन बोलते हैं, दूसरी कौन सी रिवर है, सोन, सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की सहायक नदी गंगा से मिलती है, अभी हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, और ज्योग्राफिकली देखना ज़रूरी है, सिर्फ लिखना नहीं हमें। तो ये कौन सी रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, क्या लिखता हूँ यहाँ पर, सतपुड़ा, अभी स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूँ, अभी इसको हम स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे, सतपुड़ा रेंज, पहले तो हम एक क्लासिफिकेशन बना लेना यहाँ पर, फिर वेस्टर्न घाट्स, ये आपके क्या है, दिस आर योर वेस्टर्न घाट्स, दिस आर योर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, सॉरी, ठीक है, ये आपके ईस्टर्न घाट्स हैं, आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स आप देख रहे हो दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो लिख लेता हूँ, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, अच्छा लोकली वेस्टर्न घाट्स को शायद रीज भी कहते हैं, शायद रीज, कौन पूछ रहा था, शायद रीज आप पूछ रहे थे, ठीक है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन बेटा, ठीक है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को और हम क्या कहते हैं, शायद रीज, सयाद्रीज, ठीक है, एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स दे आर ऑल्सो नोन एज शायद्रीज, ठीक है, अच्छा वेस्टर्न घाट्स दे आर यंगर, वेस्टर्न घाट्स आर यंगर एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, दे आर कॉन्टिन्यूस एज फार एज ईस्टर्न घाट्स, इसका कोई और नाम नहीं है, बट दे आर ओल्डर, यू शुड नो, दे आर लोअर एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स एंड दे आर डिसकॉन्टिन्यूस, क्या बोलते हो, कोई शक, अभी स्पेसिफिकली इनके नाम भी पढ़ेंगे, पूरी ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स दे मर्ज एट नीलगिरी, ये भी आता है एग्जाम में, नीलगिरी इज अ पार्ट ऑफ योर वेस्टर्न घाट, ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। तो ये तो हमने क्या बना दिया, हिल्स बना दी, कोई शक, अब बनाते हैं प्लेट्यूज, तो प्लेट्यूज में सबसे पहले क्या आपका डेक्कन ट्रैप, ये कौन सा है, डेक्कन ट्रैप, इसके भी खास बात क्या है, ब्लैक सॉइल, अगेन गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, लोकली इट इज नोन एज रेगुर, कहाँ लिखा था ये मैंने आपको, लाइफ साइंस में लिखाया था, नहीं लिखाया था, यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स ना बेटा, लाइफ साइंस में मैंने आपको लिखाया था इसके बारे में, ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इज कर्नाटका प्लेट्यू, सो दिस प्लेट्यू इज योर कर्नाटका, कर्नाटका प्लेट्यू, एंड देन यू हैव तेलंगाना प्लेट्यू, ठीक है,
तेलंगाना प्लेट्यू थोड़ा सा आपका क्या है, ड्राई है, तेलंगाना एंड देन योर दंडकर्णिया, दिस पार्ट इज योर दंडकर्णिया, तो बेटा दिस एरिया सी विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू चाइना, दिस एरिया इज हाईली सेंसिटिव, यहाँ पर आपको नक्सलिज्म सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, और ऐसे ऊपर करते 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 चाइना तक ये रीजन पहुँचा है। तो ये जो पूरा जो मैंने रेड से आपको मार्क किया है, दिस एरिया इज नोन एज रेड कॉरिडोर। वाई दिस इज नोन एज रेड कॉरिडोर? बिकॉज हियर हियर नक्सलिज्म इज एक्सट्रीम केस ना, तो यहाँ पर एक्सट्रीम आपको नक्सलिज्म या कम्युनिज्म देखने को मिलेगा। Why this is known as red corridor? क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सट्रीम कम्युनिज्म देखने को मिलेगा, और जितने भी वायलेंस वाले आपने घटनाएं सुनी हैं हमारे देश के अंदर, किसी सरकारी कॉन्वॉय को उड़ाना, CRPF के जवानों को उड़ाना, वो इसी एरिया में है। मैंने डिस्कस किया ना दिस विदर्भा रीजन, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये तो बड़े फेमस एरियाज हैं जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा अटैक्स देखे होंगे जो नक्सलाइट्स ने किए हैं। तो दिस रेड पोर्शन इज नोन एज रेड कॉरिडोर। अगर आपके SSB में कभी ये टॉपिक आया रेड कॉरिडोर के बारे में बताइए, तो आप समझ जाना कि वो इनडायरेक्टली किसके बारे में पूछ रहा है, नक्सलिज्म के बारे में, ठीक है। और ये नक्सलिज्म एक वर्ड ये आया, नक्सलवाड़ी इज़ अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल, सो नक्सलवाड़ी से वो वर्ड आया नक्सलिज्म, ठीक है। तो ये इसको रेड कॉरिडोर इसलिए बोलते हैं, इट इज़ एक्सट्रीम यहाँ पर कम्युनिज्म आपको देखने को मिलेगा, चाइना तक एक्सटेंडेड है, इसका मतलब चाइना फंड करता है नक्सलिज्म को इंडिया में, तभी तो उनके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं, तभी तो उनके पास IDs हैं, तभी तो आए दिनों में कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, नहीं तो इनके पास कहाँ से, बेसिकली दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उड़ाते रहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि आप छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, और जो सुखना जो मैं एरियाज बता रहा हूँ वहाँ पर आप कभी भी कौन सी गाड़ी बोलते हैं उसे एम्बेसडर बुक करके मत जाना, उनको लगता है जितने भी नक्सलाइट्स हैं उनको लगता है वो एम्बेसडर देखते हैं उड़ा देते हैं उनको लगता है कि एम्बेसडर किसी ना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की है, तो कभी आप लोग घूमने जाए तो एम्बेसडर बुक मत करना ना। और अगर आपने उड़ी फिल्म देखी हो, आपने देखा होगा कि आसाम में कैसा अटैक होता है, इन्हीं शुरू की जब पिक्चर स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले वो एम्बुश दिखाया गया है, जिसमें आसाम में मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट की जगह में जब वो एम्बुश करते हैं ना, आर्मी का पूरा कॉन्वॉय जा रहा है, तो कितने बड़े तादाद में गोलाबारी और बॉम्ब्स सारी चीज़ें, तो बड़ा अच्छा सीन लगा मुझे, वो बड़ी रियलिटी लगी मुझे, ऐसे ही होता है उसमें रियल एम्बुश में भी, ठीक है। तो इसको भी प्लीज़ आप ड्रॉ कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ दिस रेड कॉरिडोर इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने डेक्कन प्लेटू वाले पोर्शन को सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए, बहुत अच्छे कुछ बच्चों ने बना भी दिया। क्या बेटा? कर्नाटका। ये अच्छा कर्नाटका प्लेट्यू बेटा, दिस इज योर कर्नाटका प्लेट्यू, ठीक है। ये आपका कर्नाटका प्लेट्यू है, शॉर्ट में मैंने KAR लिखा हुआ है। ये आपका तेलंगाना प्लेट्यू है, ये आपका दंडकर्णिया है, और दंडकर्णिया और डेक्कन ट्रैप का जो बीच वाला पोर्शन है, कंबाइंड पोर्शन, इसको हम लोग विदर्भा कहते हैं। महाराष्ट्र के पार्ट है, दो एरियाज तो बड़े यहाँ पर सेंसिटिव है, जिसमें गढ़चिरौली और चंद्रपुर बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, जहाँ पर आप जितने भी आप नक्सलाइट अटैक्स देखोगे आप कहीं ना कहीं गढ़चिरौली चंद्रपुर ज़रूर सुनोगे, आप न्यूज़पेपर खोल के देखना, यू फाइंड दिस थिंग्स, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, और इसको प्रॉपर स्केल्स में ज़रूर देखना बेटा, इसको एटलस में देखना कि सर ने जो चीज़ें पढ़ाई हैं एरियाज कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, अभी इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डेक्कन ट्रैप की खास बात क्या है कि ब्लैक सॉइल गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, दिस ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज रेगुर एंड इट हैज अ हाई मॉइस्चर रिटेंटिविटी, अगेन दिस वी हैव लर्न्ड ऑलरेडी इन लाइफ साइंस,
दिस ब्लैक सॉइल हैज हाई मॉइस्चर रिटेंटिविटी, मतलब ये मॉइस्चर होल्ड करता है, तो ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, मॉइस्चर रिटेंटिविटी, दिस ब्लैक सॉइल हैज बेटा हाई मॉइस्चर रिटेंटिविटी. उसके अलावा ईस्टर्न घाट्स दे आर डिसकॉन्टिन्यूस, वेस्टर्न घाट्स दे आर कॉन्टिन्यूस. बहुत सारी रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं. बहुत यहाँ पर बहुत बारिश होती है बेटा वेस्टर्न घाट्स में. वाई वाई बिकॉज ऑफ विच रेनफॉल, ओरोग्राफिक ना, जो बारिश होती है बिकॉज ऑफ माउंटेन्स बेसिकली. हमने देखा था विंडवर्ड साइड हमने देखा था कि मॉइस्चर सारा यहाँ पर ही शेड हो जाता है इसी पार्ट में. तो यहाँ इतनी बारिश होती है कि बहुत सारे स्प्रिंग्स या बहुत सारे स्ट्रीम्स या बहुत सारे रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, लाइक गोदावरी एंड लाइक कृष्णा, लाइक कावेरी, लाइक अदर रिवर्स, अदर वेरियस ट्रिब्यूटरीज. बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पर. ठीक है, तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये तो हमने देख लिया. उसके अलावा बहुत सारी अदर ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो हम लोग पढ़ेंगे. तो सारी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? यहाँ से आपको कोई भी रिवर ओरिजिनेट होते हुए नहीं दिखेगी.